तो गाइस मैं यहाँ पर अपनी स्केचअप स्क्रीन में आ गया हूँ एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल विला है ओके। एंड ये फाइल मैंने अपने 3D वेयरहाउस से डाउनलोड किया था, तो आप यहाँ पर पूरी लैंडस्केपिंग देख सकते हो एंड पूरा का पूरा ये जो विला का प्लान देख सकते हो ओके। तो कुछ इस तरीके का विला है एंड हम इसमें बैकग्राउंड में जो स्काई है वहाँ पर रियलिस्टिक स्काई को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में क्लाउड्स एंड सनलाइट को किस तरीके से हम देख सकते हैं ओके। तो इसके लिए हमें वीरे रेंडर की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम वीरे के बिना स्केचअप में ऐसा कोई टूल बार नहीं है कि हम स्केचअप में ही यहाँ पर क्लाउड्स एंड बैकग्राउंड में सभी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपलसरी वीरे की डोम लाइट यूज करनी रहेगी ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक सीन क्रिएट किया है, सीन नंबर वन, तो मैं आपको इस सीन नंबर वन में ले चलता हूँ। तो इस सीन में हम रेंडर करेंगे एंड यहाँ पर आपको जहाँ से भी ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो स्काई दिख रहा है वहाँ पर हमें क्लाउड्स चाहिए, तो इसके लिए हमें वीरे डोम लाइट प्रोवाइड करनी होगी ओके। तो वीरे डोम लाइट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीरे एसेट एडिटर ओपन कर लेना है, तो यहाँ से मैं वीरे एसेट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा वीरे एसेट एडिटर है, यहाँ पर हमें लाइट्स में जाना है, लेकिन लाइट्स में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर दूसरी कोई भी लाइट हमने प्रोवाइड नहीं की है, तो सिर्फ सनलाइट ही दिख रही है ओके। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वीरे डोम लाइट को प्रोवाइड करता हूँ। तो वीरे डोम लाइट का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि हमें स्केचअप की जो सनलाइट है उसकी बजाय हमें वीरे की जो अपनी लाइट होती है यानी वीरे डोम लाइट, उसे यूज़ करने के लिए ही वीरे डोम लाइट यूज़ किया जाता है ओके। ताकि वीरे डोम लाइट की हेल्प से हम HDRI मैप्स वहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीरे डोम लाइट इस तरीके से प्लेस कर दी है ओके। लेकिन वीरे डोम लाइट को जैसे ही प्लेस किया तो आपको एक एरो दिखने वाला है ओके। तो इसकी साइज आप बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, वो डजंट मैटर ओके। वो जस्ट ये एरो आपको यही शो करता है कि नॉर्थ किस साइड रहेगा। तो ये एरो हमें दिखा रहा है कि इस वाले यहाँ पर राइट साइड में हमारी नॉर्थ आने वाली है ओके। तो ये वीरे डोम लाइट की नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ रहने वाली है ओके। तो अब हम यहाँ पर वीरे में एसेट एडिटर में चेक करेंगे तो सनलाइट प्लस वीरे डोम लाइट यहाँ पर दिख रही है ओके। तो अब हमें वीरे डोम लाइट की ही सेटिंग्स करनी है। तो इसके पहले मैं यहाँ पर आपको वीरे इंटरएक्टिव ऑन करके दिखाता हूँ कि वीरे डोम लाइट हमने प्रोवाइड की तो कुछ यहाँ पर चेंजेस आया कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वीरे इंटरएक्टिव में चला जाता हूँ। ओके तो गैस हमारे यहाँ पर ये जो वीरे इंटरएक्टिव है वो लोड हो गया है एंड यहाँ पर आप क्लाउड्स देख रहे हैं ओके। हमने तो यहाँ पर स्केचअप में कोई क्लाउड्स प्रोवाइड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हमारे इंटरएक्टिव में तो क्लाउड्स आ रहे हैं। वो क्लाउड्स इसलिए आए कि आपने वीरे में जो डोम लाइट्स है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की थी। तो डोम लाइट का यही यूज़ रहता है कि हमें जो क्लाउड्स है वो प्रोवाइड किए थे ओके। तो ये वीरे का क्लाउड्स आया ओके। लेकिन अभी भी हमारी जो सनलाइट है स्केचअप की वो तो ऑन ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सनलाइट भी है एंड वीरे डोम लाइट भी है। अगर मैं वीरे डोम लाइट को ऑफ करता हूँ तो हमारे क्लाउड्स चले जाएंगे। एक बार मैं ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने वीरे डोम लाइट को ऑफ किया है ओके। एंड अब यहाँ पर जो सीन रेंडर होगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीन रेंडर हो रहा है वहाँ से हमारे क्लाउड चले गए हैं। ये जो स्केचअप का स्काई था वहीं आ चुका है। तो आप वीरे डोम लाइट का यूज़ अब आप समझ गए होंगे ओके। तो यहाँ पर मैं फिर से वीरे डोम लाइट को ऑन कर देता हूँ ओके। तो यहाँ से मैंने ये किया वीरे डोम लाइट को ऑन एंड सनलाइट को अभी ऑफ कर देता हूँ। सनलाइट जो कि स्केचअप की बेसिक सनलाइट है वो रहती है ओके। तो यहाँ पर अभी दोनों का मिक्सिंग है कि स्केचअप की सनलाइट एंड वीरे डोम लाइट दोनों का सन आ रहा है। तो हमें सनलाइट को बिल्कुल ऑफ कर देना है। अब हमें यहाँ पर एक्चुअल लाइट दिख रही है जो कि है वीरे डोम लाइट की। यहाँ पर जितनी भी लाइट आपको दिख रही है वो वीरे डोम लाइट की है। तो हमने सनलाइट को ऑफ किया तो यहाँ पर हमारी इमेज थोड़ी सी डल आ गई है ओके। तो अब आपको यहाँ पर ये क्लाउड्स तो दिख ही रहे होंगे क्योंकि हमने वीरे डोम लाइट यूज़ किया। तो अब चलिए यहाँ से हम वीरे डोम लाइट की इंटेंसिटी है वो 1 से यहाँ पर 5 कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर जब सनलाइट ऑन रखा था तभी हमें यहाँ पर अपने ये जो विला है उसके ऊपर हमारे ये ट्री का शेडो दिख रहा था। अभी हमें यहाँ पर कोई भी शेडो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कार है तो उसका शेडो भी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है ओके। इसका एक ही रीज़न है कि हमने ये जो वीरे डोम लाइट प्रोवाइड की है वहाँ पर HDRI मैप्स नहीं प्रोवाइड किए हैं ओके। तो अब चलिए वीरे डोम लाइट में हम HDRI मैप प्रोवाइड करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ओके। अब यहाँ से आपको वीरे डोम लाइट में जाना है। वीरे डोम लाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्सचर HDR लिखा हुआ है वहाँ से ये क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर बिट मैप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से एक फाइल लिखा हुआ आ रहा है वहाँ से आपको फाइल चूज़ करनी है ओके। तो वो फाइल आपको HDRI फाइल जो आपने अभी डाउनलोड की होगी वो चूज़ कर लेनी है एंड मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कहाँ से वो वीरे की जो HDRI लाइट्स रहेगी वो डाउनलोड करनी है ओके। बस दरअसल HDRI क्या रहता है, HDRI मीन्स 360 डिग्री का एक फोटो ओके। तो यहाँ पर मैंने ये दो HDR डाउनलोड किए हैं ओके। और उसमें जो ये ऑटम पार्ट है ओके, तो ये ऑटम वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ऑटम वाला मैंने ओपन किया तो आप यहाँ पर वीरे का ये जो इंटरेक्टिव है वहाँ पर आपको सीन अभी दिखने लगेगा ओके। तो ये लोड हो रहा है।
तो मैंने यहाँ पर जैसे ये होटल वाली 360 डिग्री की फ़ोटो ओपन की, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हो ओके कि बैकग्राउंड में हमने जो HDRI ओपन किया था वो HDRI आ गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई थी, हमारा शेडो तो आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कार का शेडो यहाँ पर पड़ रहा है ओके। तो ये शेडो किसका है, दरअसल हमने जो HDRI पिक डाउनलोड की थी, आप यहाँ पर HDRI में देख सकते हो, जिस जो वो ऑटम वाली मैंने HDRI ओपन की थी, यहाँ पर हमें सनलाइट दिख रही है। तो ये सन का शेडो यहाँ पर इस कार पर, ये सन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओके। तो ये हमारी पिक्चर से थोड़ा सा बाहर है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका शेडो यहाँ पर पड़ रहा है ओके। तो आपकी HDRI में जिस तरीके का सन रहेगा, आपने जो अपनी HDRI डाउनलोड की होगी गूगल से, वहाँ पर जिस तरीके का सन रहेगा उस तरीके की शेडो आपके रेंडर में पड़ेगी ओके। तो यहाँ पर ये HDRI है, तो इसकी शेडो किस तरीके की है, तो ये यहाँ पर ओके शेडो दिखाया गया। तो अब यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। अब बैक करने के बाद मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी 5 रखी थी, वो 5 को मैंने जब HDRI प्रोवाइड नहीं किया था तब रखी थी ओके। तो अब मैं 5 से यहाँ पर कर देता हूँ 50 एंड एक बार देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही 50 किया, वैसे हमारी सनलाइट, अब मैं बोलूँगा कि हमारी HDRI इमेज की सनलाइट, क्योंकि हमने जो HDRI मैप यानी बिट मैप प्रोवाइड किया था उनकी सनलाइट है, उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है ओके। वहाँ से ऊपर ही हमारा ये जो बिट मैप है वो लोड हो रहा है, हमारे ये जो ग्राउंड है उस एरिया में, यानी ग्राउंड यानी ये वाला एरिया देखो, यहाँ से सिर्फ इस वाला एरिया, वहाँ पर तो हमारी HDRI लोड नहीं हुई। तो इसके लिए आपको यहाँ से जाना होगा, हेमिस्फीयर है वहाँ से आपको स्फीयर कर देना है। जैसे ही मैं स्फीयर करूँगा तो अब आप यहाँ पर लोड पिक्चर लोड होगी, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने हेमिस्फीयर किया तो हमारा ये जो HDRI मैप था वो पूरा का पूरा हमारी ग्राउंड प्लस हमारा ये जो स्काई था वहाँ पर लोड हो चुका है ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हाउस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर सभी जगह पर आ गया है। पहले ये हाउस यहाँ से कट हो रहा था एंड ग्राउंड में हमारी HDRI इमेज नहीं आई थी, अब तो हमारी ये जो HDRI इमेज है वो अपने ग्राउंड में भी आ चुकी है ओके। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से HDRI प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप चाहो तो डोम लाइट को आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, यानी कि हमारी जो HDRI है उसे रोटेट कर सकते हो। तो वो किस तरीके से हम करेंगे वो देख लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से जाना है ओके। तो हमारी ये जो HDRI थी, फिलहाल तो ये ट्री है ओके, तो इसे हमें रोटेट कर, अब आपको यहाँ पर टेक्सचर प्लेसमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आपके जो रोटेट हॉरिजॉन्टल लिखा है वहाँ से हम ये 210 कर देंगे, तो ये हमारे पीछे वाले जो ट्री है वो चेंज हो जाएंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पीछे वाले ट्री थे वो चेंज हो चुके हैं, यानी हमारी जो HDRI इमेज है वो रोटेट कर दी हमने थोड़ी सी। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी HDRI इमेज लेकर समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ओके। तो इस वाली HDRI में हमारे ये सब ट्री थे ओके। तो अब यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ एंड यहाँ से अपनी दूसरी इमेज HDRI इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पिछली बार हमने ये ऑटम सिलेक्ट किया था, इस बार मैंने यहाँ पर दूसरी इमेज सिलेक्ट की है। तो अब देख लेते हैं कि वो HDRI इमेज किस तरीके की यहाँ पर लगने वाली है। यहाँ पर कुछ हाउस भी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कार दिख रही है, तो अब यहाँ पर किस तरीके से लोडिंग होता है वो हम देखते हैं। तो हमारी ये HDRI लोड हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी अनरियलिस्टिक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पीछे इतना बड़ा सा हाउस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने ये जो HDRI सेलेक्ट किया था वहाँ पर ये हाउस इस तरीके से दिखा रहा है। तो अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्सचर प्लेसमेंट में जाना है एंड हॉरिजॉन्टल है वहाँ पर 201 है, ये मैं 0 पर ला या फिर माइनस में हम कोई भी प्रोवाइड कर देंगे ओके। एंड फिर देखते हैं कि हमारी HDRI का किस पार्ट हमारा ये जो रेंडर है वहाँ पर आता है ओके। ले अभी भी यहाँ पर ये हाउस आ रहा है, तो अभी भी हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके तो यहाँ पर मेरी ये जो मैंने HDRI डाउनलोड की थी वहाँ पर ये सारे के सारे हाउस ही है ओके। तो ये वाला HDRI आप कुछ बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हो यानी अपार्टमेंट, तो ये इसके लिए अच्छी HDRI रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये विला है एंड इससे तो कहीं बड़े बड़े यहाँ पर हाउस दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक दिखेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से अपनी पहले वाली HDRI रख देता हूँ ओके। तो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ये वाली जो HDRI है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है ओके। तो हमने यहाँ पर HDRI प्रोवाइड कर दी है।
तो आई होप कि आपको HDRI क्या है एंड उसे कैसे यूज़ किया जाता है डोम लाइट की हेल्प से वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आप यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी 360 डिग्री इमेज वीरे में डोम लाइट की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए सिर्फ आपको ज़रूरत है कि HDRI इमेज गूगल से डाउनलोड करने की, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहाँ से आपको HDRI इमेज डाउनलोड करनी है, फिर वीरे डोम लाइट कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हो। मैंने इस बार यहाँ पर प्लेस की थी, आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। एक बार डोम लाइट प्लेस करने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पर अपनी जो HDRI इमेज है वो लोड करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप HDRI इमेज डाउनलोड कर सकते हो एंड इसे वीरे में प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपने जो भी HDRI इमेज प्रोवाइड की होगी उसका शेडो आप यहाँ पर इस तरीके से वीरे में अपने अपलोड कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एंड हाँ, मैं यहाँ पर दूसरी बात भी एक क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको नाइट व्यू रेंडर करना है तो वहाँ पर आपको जो इंटेंसिटी है वो 1 या फिर 2 के करीब रख देनी है। ओके, तो वो अपने आप यहाँ पर नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।